आज बहुत ही कम चीज़ों से तैयार होने वाली मिठाई एकदम हलवाई जैसी बनाते हैं घर पे बहुत ही आसानी से। सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमें इसको बनाने के लिए। तो आप एक बार ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करना, ये इतनी टेस्टी बनती है ना कि आप बार बार इसको बनाओगे और सब आपकी तारीफ़ करेंगे। तो बिना किसी देरी के रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लेंगे कोई भी हैवी तले वाली ना कढ़ाई। मैंने यहाँ पे आयरन की कढ़ाई का इस्तेमाल किया है, तो अगर आप लोहे की कढ़ाई लोगे ना तो ये वाली मिठाई बहुत ही अच्छी बनेगी उसके अंदर। तो आप कोशिश करना कि लोहे की कढ़ाई का ही यूज़ करो। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाला है थोड़ा सा पानी, फिर डाल दिया है 2 लीटर फुल क्रीम दूध। तो इसमें पानी इसलिए डाला है ताकि दूध ना नीचे लगे ना, जल ना जाए। फिर उसके बाद इसको फुल फ्लेम पे हम पहले एक बॉयल आने देंगे, फिर गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे और इसको धीरे धीरे पकने देंगे। और जो ये साइड की इसमें मलाई जमती जाती है ना, इसको स्क्रेप करके इसी के अंदर मिलाते जाएंगे। थोड़ी देर पकाने के बाद जब दूध आधा रह जाएगा तो इसके अंदर हम मिला देंगे 1/4 चम्मच जितना सिट्रिक एसिड, जिसको हम नींबू का सत भी बोलते हैं, नींबू का फूल भी बोलते हैं, आप वो मिला दें। अगर आपके पास वो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 1/2 चम्मच जितना नींबू का रस भी मिला सकते हैं इसके अंदर। बस हमें इस दूध को दानेदार बनाना है। ये आप देख सकते हैं कि कैसे दाने आ रहे हैं इसके स्पैटुला पे। बस अब इसको हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अब इसके अंदर हम मिला देंगे स्वाद के अनुसार चीनी, या फिर मैंने इसके अंदर 1/2 कप चीनी डाली है। बस वो डाल के इसको मिक्स करते जाएंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसको पका लेंगे। जो भी इसको पकाते हुए साइड पे मलाई आती जा रही है, आप इसी के अंदर इसको स्क्रेप करके मिलाते जाएं। आपको ध्यान में रखना है कि आपको इसको लगातार चलाते रहना है, रुकना बिल्कुल नहीं है, छोड़ देंगे तो ये नीचे लग जाएगा। अब इस स्टेज पे जब इसका पानी थोड़ा सा सूख गया है तो मैंने इसके अंदर डाल दिया 2 चम्मच घी और इसको मैं मिक्स करती जा रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि ये कैसे रबड़ी जैसा होता जा रहा है ना, बिल्कुल पानी इसका ड्राई होता जा रहा है धीरे धीरे। जब ये पूरा सूख जाएगा ना तो ये अपने आप ही कढ़ाई छोड़ने लगेगा, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा मिक्सचर रेडी है। बस अब एक ले लेंगे कोई भी डिश या ट्रे या थाली, आप कुछ भी ले सकते हैं, और उसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। उसके अंदर डाल देंगे ये हमने जो मिक्सचर रेडी किया है, इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। और इसी स्पैटुला की हेल्प से या फिर कोई भी आप चम्मच ले सकते हो, उसके ऊपर हल्का सा घी लगाओ और इसको ऊपर से अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। और इसके ऊपर मैंने डाले हैं थोड़े से कटे हुए बादाम, आप इसके ऊपर जैसे मर्जी चाहे इसको डेकोरेट कर सकते हो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप इसको अब ढक्कन लगा के अच्छे से कपड़े में लपेट के इसको कहीं भी बिना टच किए रात भर इसको रेस्ट करने दें, और सुबह इसको आप डीमोल्ड करें। तो आप देख सकते हो जब मैंने इसको ओपन किया है तो इसका कलर कितना प्यारा है, एकदम ब्राउन कलर का ये हमारा मिल्क केक हुआ है रेडी। तो ये इसलिए हुआ है कि हमने इसको गरम गरम ही ना ढक के और कवर करके अच्छे से रख दिया था, और बिल्कुल भी इसको हमने छेड़ा नहीं है पूरी रात, तो कितना अच्छा कलर आया है। तो आप ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करना, इसको कट करो अपने मनपसंद पीसेस में और सर्व करो अपने घर वालों को, मेहमानों को, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये रेसिपी आपने ट्राई करी और कैसी बनी। बहुत ही इजी रेसिपी है, तो इसको ट्राई करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।